हेलो एंड वेलकम बैक टू वाणिज्य एजुकेटर। मैं मुस्कान चौरसिया और हम थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस टॉपिक के लेक्चर्स जो हैं वो उस लेक्चर्स जो है ऑलरेडी अपलोडेड हैं। लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में गिवन है। कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक और जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और आई बटन में गिवन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल बजटिंग। तो हम टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल कैपिटल का वो हिस्सा है जो पैसा यूज किया जाता है फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए। फिक्स्ड असेट्स हमारे क्या होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी चीज, जो भी असेट लॉन्ग टर्म होती है वो सारी की सारी हमारे किस में आ जाती है, फिक्स्ड असेट्स में आ जाती है। तो अल्टीमेटली फिक्स्ड कैपिटल का मोटिव क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट ड्राइव करना। यानी कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा इस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे जो कि इररिवर्सिबल होगा, क्योंकि हम फिक्स्ड असेट्स में लगा रहे हैं। अगर हम एक बार लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन तो खरीद लेते हैं तो हम बार बार उसे नहीं बेचते, तो यानी कि रीसेल पर्पज से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने के लिए, लॉन्ग टर्म की इनकम, अच्छी इनकम अर्न करने के लिए हम ये पैसा लगाते हैं। तो हम पहले तो मीनिंग पे चलते हैं कि बुक में क्या मीनिंग दिया हुआ है फिक्स्ड कैपिटल का। जैसे कि इसे बताया, फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज यूज फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए जो हम पैसा लगाते हैं वो क्या होता है, हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है। टू अर्न इनकम फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म की अर्निंग के लिए हम ये पैसा क्या करते हैं, लगाते हैं। द मोटिव बिहाइंड परचेज ऑफ दिस असेट्स नॉट टू सेल देम ऑफ इमीडिएटली। मतलब कि जो हम पैसा इस, मतलब अपने फिक्स्ड असेट्स पे लगा रहे हैं या फिक्स्ड कैपिटल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा मोटिव नहीं होता कि हम उसे जल्दी से जल्दी सेल कर दे। हमारा मोटिव क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट उससे ड्राइव कर सके, यानी कि लॉन्ग टर्म इनकम उससे अर्न कर सके। नेक्स्ट इसमें क्या है, फैक्टर अफेक्ट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी नहीं है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, कि मतलब फिक्स्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरा होता है ट्रेडिंग कंसर्न। अगर तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि हमारा कोई सामान बनाने का बिजनेस है, तो क्या होगा, हमारे को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। लेकिन अगर हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग बेसिकली मीनिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग का जिनका काम होता है, जो लोग सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उन लोगों को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। रीजन बिहाइंड, फिक्स्ड कैपिटल जो है फिक्स्ड असेट्स खड़ा करके देंगे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लेकिन जो लोग सामान खरीद रहे और बेच रहे हैं उन लोगों को तो मशीनरीज की इतनी जरूरत नहीं होगी। तो ये जो है फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करता है कि हमारा बिजनेस कैसा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि हमारा स्केल कितना बड़ा है। अगर मेरी जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अगर मेरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है लार्ज स्केल है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। और इसी तरीके से अगर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न है, लार्ज स्केल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है, तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सॉरी, लार्ज स्केल अगर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न है तो मेरे को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और मेरा अगर स्मॉल स्केल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस है तो मेरे को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्निक की चॉइस, यानी कि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दो तरीके की टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे ज्यादा डिपेंड करते हैं तो हमारे को क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि हमें वेजेस पे करने होंगे। और अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे जाएंगे तो हमारे को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें नई नई प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर हमारा बिजनेस इस तरीके का है जिसमें कि हमारे को जो मशीनरी है, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, बहुत जल्दी 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 आउटडेटेड हो जाती है, नया नया उसके नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जहां पर टेक्नोलॉजी 2-3 साल पुरानी भी हो तो भी काम चलेगा, तो उस जगह पे हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक बिजनेस है वो चाहता है कि हमें ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा
फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, क्योंकि आपको अगर ग्रोथ करनी है अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट कम करने के लिए आपको अपने खुद के एसेट्स खड़े करने पड़ेंगे। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अगर आपका है तो आपको ज्यादा ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतना ज्यादा नहीं है कि हमें ज्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, जितना चल रहा है उतने में हो जाएगा, तो फिर आपकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? जब आपने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ मेनली मेंस सेक्शन में हम डील कर रहे हैं, शर्ट पैंट थ्री पीस टू पीस सूट्स, इन सब चीजों में अगर हम डील कर रहे हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अब हमारे को थोड़ा वो तो और भी डील करना चाहिए, हमें टी शर्ट्स लेके आनी चाहिए लड़कों के लिए, जीन्स लेके आनी चाहिए, तो वो क्या डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे अपने बिजनेस को तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपका मोटिव नहीं है ज्यादा डाइवर्सिफाई करने का, आपका मेन मोटिव है फॉर्मल्स में डील करने का, कैजुअल्स में आप नहीं जाना चाहते, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करने की जरूरत होगी और आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव क्या होता है? अगर मुझे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगी, इक्विटी उठाऊंगी, प्रेफरेंस शेयर्स उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी ज्यादा से ज्यादा डिबेंचर्स उठाऊंगी। लेकिन अगर मेरे को ये नहीं उठाने, मेरे पास एक और ऑल्टरनेट है लीज। फाइनेंस का एक नया ऑल्टरनेट है लीज। अगर आपको कोई मशीनरी लीज पर मिल सकती है तो जरूरी आपको इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी, इन्वेस्टमेंट मत करो, आप लीज पे अपना उठाओ। लीज पे उठा लोगे अगर आप, आपको लीज पे अगर प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी मशीनरी मिल रही है, इजीली अवेलेबल है, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लीज पे मशीनरी नहीं अवेलेबल तो आप क्या करोगे, आपको फिक्स कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो उस जगह पे आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन पे आते हो, मतलब कि दो लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि थोड़ा पैसा जो है फिक्स्ड कैपिटल का एक कंपनी लगाएगी और थोड़ा पैसा दूसरी कंपनी लगाएगी, दोनों मिलकर जो है एक मतलब अपनी असेट या फिर कुछ भी कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट खड़ा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक के ऊपर फिक्स्ड कैपिटल का बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर इंडिविजुअल कम हो जाएगी, मतलब वो कम तो नहीं होगी, पर इंडिविजुअल जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके लेवल ऑफ कोलैबोरेशन नहीं है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल बजटिंग। मैंने ये दोनों टॉपिक साथ इसलिए लिखे क्योंकि फिक्स कैपिटल और कैपिटल बजटिंग बहुत ज्यादा सिमिलर टॉपिक है, आप लोगों को डाउट भी हो सकता है। फिक्स कैपिटल तो वो कैपिटल है जो आप फिक्स्ड असेट्स को खरीदने में लगा रहे हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? बजट आपको पता होगा, बजट आप पहले से सेट करके रखते हैं, एस्टिमेट लगा के रखते हैं कि कोई आपने नई चीज लेनी है तो कितने का हमारा बजट होना चाहिए और वो कितने में आ जाए। जैसे सपोज अगर मेरे को एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो वॉशिंग मशीन मैं मान के चलती हूँ 15,000 से फुली ऑटोमेटिक लेनी है तो 15,000 से 20,000 तक की रेंज में एक अच्छी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ जाती है। तो मैं अपना बजट सेट करके चलती हूँ 18,000 तक की मेरी अपना बजट है, मुझे 18,000 रुपए में ही एक अच्छी वॉशिंग मशीन चाहिए जो कि मेरे हिसाब से, मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है, लाइक हम लोगों को घर में जो नॉर्मल कपड़े धोने होते हैं, कपड़े धुल जाएं, दो चार जैकेट्स धुल जाएं, दो चार अच्छे से स्वेटर धुल जाएं, ये मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने अपना बजट सेट कर लिया 18,000 रुपए। अब 18,000 के अंदर ही अंदर मैं देखूंगी, बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढूंगी जो कि मेरे कॉस्ट कम, मतलब मेरी कॉस्ट कम से कम आए और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। सेम इसी तरीके से कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग, अब मैंने एसेट्स लेनी है, अब मुझे तो असेट्स लेनी है, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में भी ना हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं मशीनरी खरीद रही हूँ मेरा किसी भी चीज में, जैसे कि मेरा टेक्सटाइल का ही बिजनेस है और मेरी एक मशीन है जो थोड़ी सी सस्ती है बट वो प्रोडक्टिविटी कम दे रही है, एक है थोड़ी सी महंगी पर प्रोडक्टिविटी अच्छी दे रही है, एक है बहुत महंगी पर प्रोडक्टिविटी दे रही है, कंपैरेटिवली बी वाली के थोड़ा सा डिफरेंस है, बट जो ज्यादा मतलब जो सबसे महंगी वाली मशीनरी है ना उसमें जो है ऑब्सोलेंस का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, बहुत जल्दी ऑब्सोलेट हो जाती है, फिर उसमें ब्रेकडाउन का खर्चा रहता है। तो हम किसको चूज करेंगे? बी को चूज करेंगे। वो बी को चूज करने का रीजन क्या है? थोड़ा सा कम प्रोडक्शन चल जाएगी लेकिन अगर वो जल्दी जल्दी कोई चीज ऑब्सोलेट होगी तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम जल्दी से जल्दी फिक्स्ड असेट्स नहीं ला के खड़ी कर सके। तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली क्या होता है? अपनी बजट के अंदर अपने फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना, यानी ये क्या होता है कैपिटल बजटिंग। जैसे कि इन्होंने बताया द डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट दैट यील्ड इनकम फॉर लॉन्ग टर्म
लॉन्ग पीरियड इज नोन एज कैपिटल बजटिंग, इसको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं और कैपिटल बजटिंग को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक्सपेंडिचर करोगे उसी बेस पे आप अपना एक कैपिटल असेट खड़ा करोगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन जो होते हैं ना वो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। एक अगर मैं मशीनरी खरीद रही हूँ तो मैं मशीनरी सिर्फ आज को सोच के थोड़ी खरीद रही हूँ। अगर मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी करी है तो मैं जो मशीनरी लगा रही हूँ वो हम ये मान के चलते हैं कि 5 साल तो कम से कम उस मशीनरी में ना तो ब्रेकडाउन आना चाहिए ना ही वो ऑब्सोलेट होनी चाहिए। अगर वो ऑब्सोलेट 5 साल से जल्दी हो जाएगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा अपने फिक्स्ड एसेट्स लगाने पड़ेंगे जो कि मेरे लिए क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम कैपिटल बजटिंग करते हैं यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेते हैं बहुत सोच समझ के लेते हैं। उसमें हम लाइफ भी चेक करते हैं, उसमें हम कॉस्ट भी चेक करते हैं, उसमें हम रिटर्न भी चेक करते हैं, उसमें हम प्रोडक्टिविटी भी देखते हैं, उसमें हम ये भी देखते हैं लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ये सारे फैक्टर्स जो है ना इतना सोचने के बाद जाके हम एक कोई कैपिटल असेट्स को खड़ा करते हैं यानी कि कैपिटल असेट्स को खरीदते हैं। तो ये होता है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। अगर मैं बिना सोचे समझे इतनी बड़ी असेट यानी कि 10 लाख 15 लाख रुपए की खरीद लेती हूँ तो क्या होगा? मैंने बिना सोचे समझे खरीदा, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं मिली, उससे क्या होगा कि मेरी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। कि अगर मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे महंगी वाली मशीनरी अगर मैं खरीद लूं तो उससे क्या होगा, ऑब्सोलेंस बहुत जल्दी हो जाएगी। हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की है कि हमारे पास जो लेबर है वो उतनी ज्यादा एडवांस हो ही ना, तो उस जगह पे भी तो हमारी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कैपिटल बजटिंग जब भी करें यानी कि कैपिटल असेट्स जब भी खरीदें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और उसके इफेक्ट देख के ही उसको खरीदें। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर इनिशियल स्टेज। अगर आप इनिशियल स्टेज पे बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो 10 लाख 15 लाख रुपए बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। हो सकता है किसी ने बहुत ज्यादा लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो और अगर उसको उतनी अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं कर्जाई हो जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा उसका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करने की बजाय और डाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क क्यों है? हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो चलेगी क्या वो नहीं चलेगी? और हो सकता है जो हम मशीनरी खरीद रहे हो अगर वो मशीनरी की लाइफ 5 साल है वो 5 साल से कम चली तो हमारे लिए तो रिस्की है ना, क्योंकि हमने 10 लाख रुपए अभी लगाए या 15 लाख रुपए अभी लगाए, हमारे को बहुत जल्दी टाइम पीरियड के बाद मतलब 2.5 साल या 3 साल के बाद फिर से 10-15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। 10-15 लाख रुपए लगाने के लिए कमाई भी तो उतनी चाहिए। अगर हमने 10-15 लाख रुपए लगाए हैं तो अल्टीमेटली उससे कमाई भी तो हमने कम से कम 50 लाख रुपए की हो, तभी तो हम 10-15 लाख रुपए फिर से लगाने की हिम्मत रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इरिवर्सिबल डिसीजन। ये डिसीजन क्या होता है? इरिवर्सिबल मतलब ये ऐसा डिसीजन नहीं है कि आज आपने कुछ खरीदा और कल आपने उसे बेच दिया। मतलब ये खरीदने बेचना आसान नहीं है। आपने अगर खरीद ली कोई असेट तो आज अगर आप 15 लाख रुपए की मशीनरी खरीद रहे हो, आपने 2 बार यूज करके देखी, आपको लगा कि नहीं ये हमारे हिसाब की नहीं है, तो कल वो क्या हो जाएगी? सेकंड हैंड हो जाएगी। वो 15 लाख की वैल्यू सीधा ही 13 लाख रुपए पे आके खड़ी हो जाएगी। और 2 दिन में अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज के 2 लाख रुपए टूट रहे हैं सपोज, तो सोचो कि वो कितना बड़ा कितना हैवी इन्वेस्टमेंट उसमें लगी है जिस वजह से कि वो इतने डाउन में आ रहे हैं। अगर हमारे को 2 दिन बाद उसे बेचना पड़ेगा तो हमारे को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इस रीजन से ये क्या है? इरिवर्सिबल टॉपिक, इरिवर्सिबल हमारा क्या डिसीजन है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं? ये वो पैसा है जो हमने अपने शॉर्ट टर्म असेट्स में इन्वेस्ट करके रखा होता है। ये हमारे को लिक्विडिटी क्रिएट करके देते हैं। करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल निकल के आती है। और वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारे को इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमारे को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस जितने भी हम पे ऑफ करते हैं वो हम अपनी वर्किंग कैपिटल में से पे ऑफ करते हैं। तो हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होती है। जैसे कि इसमें बताया था पोर्शन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म असेट्स, जो पैसा शॉर्ट टर्म असेट्स में बिजनेस ने लगाया हुआ है और जो डिफरेंस है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का वो क्या होता है? हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे इन्होंने एक बैलेंस शीट बताई है, बैलेंस शीट में हमारे करंट असेट्स कितने के दे रखे हैं? 50,000 रुपीज के। करंट लायबिलिटी दे रखे 35,000 रुपीज की। तो हमारे पास 2 तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, एक होती है हमारी ग्रोस वर्किंग कैपिटल, एक होती है हमारी नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारे टोटल करंट असेट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं। ग्रोस वर्किंग कैपिटल यानी कि हमारी करंट असेट्स जो है 50,000 रुपीज के, वो मेरे क्या निकल के आ जाएगी? ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और अगर मुझे नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल, तो मैं करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी डिडक्ट कर दूंगी। करंट असेट्स कितने के हैं? फिफ्टी
3000 रुपीज के, करंट लायबिलिटी कितनी है 35000 रुपीज की, तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा 15000 रुपीज, जो कि मेरे पास क्या होगा मेरा नेट वर्किंग कैपिटल होगी मेरी। तो ग्रोस अलग है, ग्रोस मतलब जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो आपके ग्रोस में चले जाएंगे, जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले डेली एक्सपेंसेस को आपको पे करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल रखनी जरूरी है। करंट लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी आपको टाइमली। कैश डिस्काउंट, अगर आपके पास अच्छी वर्किंग कैपिटल होगी तभी आप कैश डिस्काउंट को अवेल कर पाओगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है, सप्लायर से हमने सामान उठाया, हमने उधार पे उठाया, सप्लायर ने हमारे को कह दिया था कि आप 20 दिन बाद मुझे पैसे दे देना, पर अब सप्लायर को जरूरत पड़ रही है 15 दिन के बाद ही पैसों की, उसने क्या कहा आप कैश डिस्काउंट ले लो 10% का, मुझे 15 तारीख को आप पैसे दे दो, यानी कि 20 तारीख हमारे को बोल रखी थी 15 तारीख को उसने पैसे मांग लिए, तो हमने हमारे पास अगर पैसे होंगे तभी तो हम 15 तारीख को पे ऑफ कर पाएंगे, नहीं तो हम 20 तारीख को ही पे ऑफ करेंगे। हम तो ये कह सकते हैं ना कि 20 तारीख की बात हुई थी, पर उसको जरूरत पड़ गई तो इस रीजन से उसने हमारे को कैश डिस्काउंट दिया, और कैश डिस्काउंट भी कब अवेल होगा, जब हमारे पास अच्छी वर्किंग कैपिटल होगी। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूटी इन द प्रोडक्शन, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल अच्छी होगी तो हमारी प्रोडक्शन रुकेगी ही नहीं, क्योंकि हमारे को टाइमली सप्लायर को भी हम पे ऑफ कर देंगे, हमारे को और जो इन्वेंट्री की जरूरत होगी हम वहां पे भी पैसा इजीली दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सामान दे सकते हैं। प्रोडक्शन में टाइमली हम अपनी प्रोडक्शन को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेकिंग अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से लगाते हो, जो आपके पास वर्किंग कैपिटल पड़ा होता है उसमें से ही कुछ हिस्सा आप क्या करते हो पे ऑफ कर देते हो। तो अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है तो आपके पास वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। नेक्स्ट आते हैं डेटर्स, बिल रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्री जो है रॉ मटेरियल वाली भी, वर्क इन प्रोग्रेस वाली भी, और फिनिश्ड गुड्स वाली भी, सारी की सारी इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कुछ थी हमारी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, जितने हमने फैक्टर अफेक्टिंग अभी पीछे करे थे ना, जो हमने करे थे फिक्स्ड कैपिटल, वही सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल को। अगर तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर हमारे ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। रीजन भी है क्योंकि हम साथ के साथ सेल और परचेज कर रहे हैं, साथ के साथ सेल करेंगे तो हमारे को क्या होगा, हमारे पास कैश आता रहेगा तो हम उससे हम परचेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी, अगर हमारे को उधार पे सामान मिल सकता है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर हमें उधार पे सामान नहीं मिलता तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है अगर हम लोगों को ज्यादा उधार दे रहे हैं, यानी कि क्रेडिट हम क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, क्रेडिट अलाउ करेंगे तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आज जो हम सामान बेच रहे हैं उसका पैसा कुछ टाइम के बाद आएगा, लेकिन अगर हम क्रेडिट अलाउ नहीं करते तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। अगर हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, हमारे को ग्रोथ करनी है, तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर हमारा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, जितना हमने बिजनेस फैला रखा है बस उसमें हमें डील करना है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस को तो भी हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि हमें डाइवर्सिफाई नहीं करना है बिजनेस को, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे सीजनल इनकम, अगर हमारी इनकम सीजनल है तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अगर हमारे रेगुलर इनकम में तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये तो हमारा सारा टॉपिक था फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग पे। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जो कि होगी हमारे फाइनेंशियल मार्केट पे, आप वो वाली वीडियो भी देखना, फास्ट रिवीजन है, आप उसे चेक करना। बाकी अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे को फ्रीली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, नहीं तो आप यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।